सिवनी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कलबोरी पंचायत मामला ग्राम पंचायत कलबोरी में आवास योजना में पैसे की मांग को लेकर कुछ ग्रामीणों ने जिला पंचायत में सरपंच सचिव की शिकायत की थी। इसकी विरोध में आज गांव के कुछ लोगों द्वारा एक लिखित आवेदन जिला पंचायत को सौंपा गया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर कुछ महिलाओं ने जिला पंचायत में झूठी शिकायत की, जो कि निराधार है। सरपंच सचिव ने किसी भी प्रकार का पैसा किसी से नहीं लिया है। जो शिकायत की गई वह झूठ एवं निराधार है। झूठी शिकायत निराधार बताते हुए ग्राम पंच उमेश चंद्रवंशी के साथ दीवान सिंह, बलराज पटेल, जगदीश हिम्मत, प्रतीक चंदेल और भी अन्य लोगों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। राजकुमार ठाकुर, संवाददाता, सिवनी। ये कब की शिकायत? ओ, परसों की शिकायत है। परसों के दिन कलेक्टर महोदय को, कलेक्टर महोदय की शिकायत की थी। अच्छा। और उसकी मतलब कोई वजह नहीं है, वो बेबुनियाद है। अच्छा, है ना? तो उस पर कोई वो है ही नहीं है कि मतलब 5,000 रुपए लेके, 10,000 रुपए लेके किसी की। आज जब टीम वहाँ गई तो उनको एक भी वहाँ ऐसा विकल्प नहीं मिला कि जिससे 5,000, 10,000 रुपए या 100 रुपए भी लिया गया हो। हाँ हाँ, बोलते जाइए सर। तो ऐसा कोई प्रूफ मिला ही नहीं। अब वो क्या है, कुछ दलालों के चक्कर में उन महिलाओं ने ऐसा आके बोल दी कलेक्टर साहब के सामने। अच्छा, तो आपकी ग्राम पंचायत के सचिव कौन है? ग्राम पंचायत के सचिव हमारे पंचेश्वर जी है। पंचेश्वर सहायक सचिव है? सहायक सचिव है, वर्तमान प्रभार है उसका। वर्तमान प्रभार है। और अभी एक मैडम आई हुई है। अच्छा जी, मतलब आपको ग्राम पंचायत से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं? सभी ग्राम वासी, ग्राम पंच सर, मतलब आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो भी उनके खिलाफ शिकायत की गई है वो शिकायत झूठी है? झूठी है, झूठी है। मैं ग्राम पंच हूँ सर। अच्छा, ग्राम पंच हूँ। नहीं तो ये शिकायत गुमराह करता कौन है? गलत जानकारी देकर गुमराह किया जाता है और नजायज शिकायत। सर यदि मैं नाम ले दूं तो फिर व्यक्तिगत अच्छा ठीक है, ठीक है। जब देखो, जब 181 लगवा देंगे, कहीं भी लगवा देंगे, मतलब कुल मिला के झूठी शिकायत की जाती है। बाधा ऐसे डालते हैं, काम ही नहीं हो रहा है पंचायत का। ठीक है, कोई विकास नहीं हो पा रहा है इनके चक्कर में। चलो चलो, ठीक है।